नमस्कार प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। चलिए आज बताएंगे आपको, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास बातें करने वाले हैं। पहली बात की आप लोग को बताएं कि भोजपुरी के स्टार लोग, सिंगर लोग जो जो कहते हैं कि जातिवाद अश्लीलता खत्म होना चाहिए, वो लोग किस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और हम लोग करते हैं तो कहते हैं लोग जातिवाद करता है बहुत सारे लोग। तो आप सभी को बताएंगे और प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार जो है रितेश पांडे, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, किस तरीके से जातिवाद करते हैं और ऑडियंस किस लिए करते हैं, वो भी आप सबको बताएंगे। आप सबको वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहली बात करते हैं पवन सिंह के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगला जातिवाद नहीं करता है। पवन सिंह का सबको पता है कि एक जातिवाद सौगाया था कि लजर रात भर मिला बबूगाल से, सबसे पहले स्कूल का ही आया था। उसके बाद में बात करते हैं कि पवन सिंह किस तरीके से जातिवाद करते हैं, तो उनका भाई है ऋतिक सिंह, ठीक है। ऋतिक सिंह पवन सिंह का भाई है, जो कि पवन सिंह के हमेशा सपोर्ट में रहता है, हमेशा बबूगाल पे गाला गाता है रेगुलर, मतलब राजपूत समाज पे रेगुलर गाला गाता है। उसको पवन सिंह किस तरीके, उसका जो भी गाना रिलीज होता है उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से, पवन सिंह ऑफिशियल अकाउंट से कम्युनिटी लगाते हैं उस सॉन्ग को सुनने के लिए, और उसका सॉन्ग ए टू जेड आता है पवन सिंह पर, नहीं तो बबूगाल पर आता है, मतलब राजपूत समाज पर। उसके बाद अभी फिलहाल में गाना आया था पवन सिंह का नई की खिलाड़ी, जिसमें रखा गया था ऋतिक सिंह को, जिसके पास टैलेंट कुछ नहीं है। टैलेंट के नाम पर वो सिर्फ, अगर देखा जाए उसका टीकी इंस्टाग्राम वीडियो, तो उससे अच्छा एक्टिंग तो 6 साल का बच्चा कर देगा जिस तरीके से ऋतिक सिंह करता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और पवन सिंह अपने पूर्वजों का फोटो लगाते हैं, जब भी जो शहीद हुए हो या फिर जो उनके भगवान हो, उनका फोटो लगा के उनको श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं। और वही अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव के बारे में सब लोग जानता है कि बहुत जातिवाद करते थे, बहुत जातिवाद सॉन्ग उनका है यादव समाज पे। तो लेकिन आप सब कहिएगा कि किस तरीके से वो जातिवाद करते हैं और क्यों करते हैं। पहली बात की देखिए, खेसारी लाल यादव भी अपने लालू यादव को जन्मदिन पे पोस्ट डालते हैं, वही नीतीश कुमार के जन्मदिन पे पोस्ट नहीं डालते हैं। क्यों लालू यादव के जन्मदिन पे पोस्ट डालते हैं? क्योंकि लालू यादव है, उनके समाज के लोग हैं। और उसके बाद में बात करें तो जो कि जो भी यादव लोग हैं, यादव लड़के लोग हैं, वो सभी लोग खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में हो जाते हैं क्योंकि हमारे समाज के पूर्वजों का ये पोस्ट फेसबुक पर डाले हैं ये देख कर। तो और उसके बाद में देखा जाए तो टुनटुन लाल यादव है, जो कि खेसारी लाल यादव हमेशा यादव पर सॉन्ग गाता है, और खेसारी लाल यादव इनको पूरा सपोर्ट भी करता है, और हो सके तो अगला फिल्म भी इसमें टुनटुन लाल यादव को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि सिर्फ ये लोग, मतलब जातिवाद क्रिएट ये लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जब बड़े स्टार है ये लोग जातिवाद का दिखाते हैं, जातिवाद का मुद्दा उठाते हैं। आप लोग को बताएं पवन सिंह खेसारी लाल, रितेश पांडे के बारे में बात करते हैं जो कि इससे लाखों दूर रहते हैं। उनका फेसबुक पोस्ट देखा जाए तो उनके जो पूर्वज है, उनके जो इतिहास भगवान है, उनका पोस्ट या फिर उनका जो कास्ट का, उनका जो जाति का शहीद हुआ रहता है, उनका पोस्ट फेसबुक पे डाला जाता है। अगर आप लोग जातिवाद नहीं करते हैं भोजपुरी के सभी स्टार, तो आप सभी का जो बिहार के महान है, जो बिहार के महान शहीद लोग हैं, उनके ऊपर पोस्ट क्यों नहीं डालते हैं? सवाल उठता है सभी स्टार पे, क्योंकि सभी स्टार कहते हैं कि जातिवाद बंद होना चाहिए, जातिवाद बंद होना। और शुरू कौन करता है? इन लोग। और इन लोग को देखा देखी हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं सब लोग करते हैं, सभी जात के लोग करते हैं इन लोग के देखा देखी। क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जाए कि अगर पवन सिंह अगर राजपूत समाज से, तो राजपूत समाज के जो बड़े योद्धा थे उनका पोस्ट डाले और दूसरे समाज का जो बड़े योद्धा थे उनका नहीं डाले, इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि आप अपने जाति को सपोर्ट कर रहे हैं। रितेश पांडे भी अपने जाति के जितने शहीद लोग हैं उनका पोस्ट डालते हैं, क्यों? अगर आप जातिवाद नहीं करते तो ये क्यों? बिहार के और भी बड़े बड़े सम्राट अशोक है, बहुत बड़े बड़े नामी चेहरा है जिसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जाति में बांट दिया गया है। तो हम लोग को बोला जाता है कि जातिवाद करते हैं, स्टार लोग सबसे ज़्यादा जातिवाद करते हैं। आप लोग देखा, बहुत सारे स्टार को देख लीजिए, आप लोग को फिलहाल का जो भोजपुरी का है उन लोग का बता दिए। यहाँ के राइटर भी जो भोजपुरी के है वो लोग भी जातिवाद करते हैं, वो लोग भी अपने समाज के जो बड़े नेता रहते हैं, योद्धा रहते हैं, उनका पोस्ट डालते हैं, वो भी आपके उनके समाज के नहीं रहेंगे तो नहीं डालेंगे। क्या बात है, आप लोग समझ सकते हैं एक वीडियो में कि किस तरीके से जातिवाद का बढ़ावा ऊपर से दिया जाता है। पहली बात की ऊपर के लोगों को देख कर ही हम लोग जातिवाद करना सीखते हैं, जो नीचे के लोग हैं कि हाँ हमारे समाज का ये लड़का है यादव पे पोस्ट डाल रहा है, हमारे समाज का लड़का कुशवाहा पे पोस्ट डाल रहा है, हमारे समाज का लड़का राजपूत पे पोस्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है स्टार लोगों के थ्रू। आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ वो लोग गाना नहीं गाते हैं, अगर रितेश पांडे पांडे जी पर गाना गाए हुए थे लेकिन आप नहीं गाते हैं, पवन सिंह राजपूत पे गाए हुए थे लेकिन नहीं गाते हैं, लेकिन वो लोग अपने तरफ से एक आदमी को खड़ा कर रखे हैं कि अपने जाति को अपने समाज को ऊंचा दिखाते रहे और उसको वो सपोर्ट करते हैं, जो कि हाल में ऋतिक सिंह, टुलटुल लाल यादव को देखिए, और पांडे में बहुत सारा है उनको बता ले सकते हैं, और सभी लोग जातिवाद करते हैं। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और क्या ये वीडियो से मकसद है, क्योंकि किस तरीके से जातिवाद फैल रहा है
और हम लोग करते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर लोग करते हैं तो कहते हैं लोग स्टार लोग की जातिवाद से दूर रहना चाहिए, जातिवाद गाना नहीं गवाना चाहिए। उसी में पवन सिंह ऋतिक सिंह को पैदा कर दिया है कि आप जातिवाद सो गाते रहिए, और ये खेसारी लाल यादव टुलटू लाल यादव को पैदा कर दिया है कि आप जातिवाद सो गाते रहो। तो जातिवाद कभी नहीं खत्म होगा जब तक ये नेता लोग और बड़े स्टार लोग पोस्ट डालना बंद करेंगे। जो महान है उसको पोस्ट डालिए, उसको जाति से मत जोड़िए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अशोक सम्राट का पोस्ट कोई नहीं डालता है, क्यों? वो बिहार का नहीं थे, वो महान नहीं थे, उनके बारे में सभी को पता है कि क्या थे क्या नहीं थे। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेगा।